मैं आपको मटर मशरूम बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो मटर को इस तरीके से छील लिया है। इसके लिए मैंने 1.25 किलो मशरूम ले लिया है। मैंने मीडियम साइज की 6 प्याज को इस तरीके से काट लिया है। मैंने 1 मुट्ठी मूंगफली को 10 मिनट भिगा करके उसका छिलका निकाल लिया है। मैंने 1 गांठ लहसुन, 1 इंच अदरक और 6 मिर्ची को इस तरीके से कूट लिया है। मैंने गैस पे एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। मिर्ची को जो हमने कूटा था इसमें डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे जिससे हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। इसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। मैंने अपनी मूंगफली को इस तरीके से पीस के तैयार कर लिया है। हमारा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब कुछ अच्छी तरीके से पक चुकी है। हम इसे अब ठंडा करके इसको पीस लेंगे। मैंने प्याज का इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तड़के के लिए जो सामग्रियाँ ली है वो हम देख लेते हैं। मैंने तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी ले लिया है। मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है। हम इसमें अब तड़का लगा लेंगे। तड़का तैयार हो गया। हम इसमें अब प्याज का पेस्ट डाल देंगे। हम इसे अब तेल छोड़ने तक भून लेंगे। हमारा प्याज का पेस्ट हल्का सा तेल छोड़ने लगा है। हम इसमें अब मूंगफली का पेस्ट डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। अब इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। हमारे टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज और मूंगफली के पेस्ट ने अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है। मैंने पिसे हुए मसाले में जो सामग्री ली है वो हम देख लेते हैं। मैं 1.5 चम्मच गरम मसाला ले लिया है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। हम इसमें अब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला मत जले और हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। हमारा मसाला पक चुका है। हम इसमें मटर डाल देंगे। हम अपने मटर को भी कच्चापन दूर होने तक पका लेंगे। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, लेकिन हम सावधानी से डालेंगे क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को पकाते टाइम इसमें नमक डाला था। कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इसमें हम अपने मशरूम को डाल देंगे। हम इसे थोड़ी देर ढक कर पका लेंगे। हमारे मशरूम ने पानी छोड़ दिया। हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। मशरूम बनके तैयार हो गया। हम इसे अब सर्व कर देंगे। हमारा मटर मशरूम बनके तैयार हो गया। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।